कौन ऐसे लोग थे जिनके संपर्क में रिया चक्रवर्ती यहां पर रही। देखिए गौरव आर्या जो सप्लायर जिससे सबसे पहले चैट सामने आई थी, श्रुति मोदी जो मैनेजर रही जिन्होंने बहुत खुलासे किए, कहा कि किस तरह रिया का प्रभाव रहा, जोया साहा कोऑर्डिनेटर रही थी जो क्रिएटिव मैनेजर भी रही रिया चक्रवर्ती की, दीपेश सावंत जो पर्सनल स्टाफ है सुशांत सिंह राजपूत का, शौविक चक्रवर्ती जो रिया के भाई हैं उनसे रिया बार बार ड्रग्स यहां पर मांगती थी, सैमुअल मिरांडा जो पर्सनल स्टाफ है सुशांत सिंह राजपूत का रहा, सैमुअल मिरांडा जो एनसीबी की गिरफ्त में है, ये तमाम वो लोग हैं जो रिया के इस ड्रग नेटवर्क का हिस्सा कहीं ना कहीं समझ में आते हैं और अब इनसे एक एक कर पूछताछ की जाएगी। देखिए शौविक और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा तो एनसीबी के रडार पर आ ही गए हैं, इसके बाद अब धीरे धीरे कर एक एक परत खुलेगी। श्रुति मोदी जो बार बार ये कहती रही हैं कि उनसे तो वो नहीं चाहती थी, उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जो उनसे कहा जाता था पार्टीज में शामिल होने से लेकर तमाम बातों को लेकर, तो वो बस वो करती थी। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज के दिन क्या कुछ हलचल रही है इस पूरी बड़ी खबर पर उसको दिखाती हुई ये 5 तस्वीरें हैं। शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लिया गया है, बासित जो कि ड्रग पेडलर है जिसको गिरफ्तार किया गया था एनसीबी की ओर से, उसकी पेशी हुई, 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी रिया जो इन ड्रग्स को मंगा रही थी, खुद ले रही थी या सुशांत को भी दे रही थी, कब से इनका इस्तेमाल हो रहा था, इसको लेकर सवाल बरकरार है और अब शायद रिया को भी एनसीबी पूछताछ के लिए बुला सकती है, हिरासत में भी ले सकती है। प्रीति और हमारी सहयोगी उर्वशी जो हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उर्वशी मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस पूरे नेक्सस में सामने आ रहे हैं, अब अगर हम जोया साहा का नाम ले लें, श्रुति मोदी हो या वो तमाम नाम जो ग्रुप चैट में सामने आए थे, अब उन तक भी इस जांच की आंच पहुंचना मुमकिन है ताकि और जो खुलासे हैं छिपे हुए वो सामने आ सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ईडी के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, ईडी ने कई ऐसे जो चैट्स रिट्रीव किए थे उसमें कहीं ना कहीं ऋषभ ठक्कर और कुणाल जानी की नाम जो है, कुणाल जानी का नाम बाहर आया है और जब हम आगे ईडी ने जो इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि किस तरह से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो एक उदयपुर में एक वेडिंग फंक्शन के लिए बना था और उसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, वो व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर भी रिया चक्रवर्ती थी। हम देखते हैं कि अभी जो है यहाँ पे एक ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, अगर वो बात करें तो हम भी जाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन गणेश भी जो जाएंगे, एक सीनियर ऑफिसर एनसीबी से यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल उर्वशी, आप आगे बढ़े, बातचीत करने की कोशिश आप करें। तो हमारी सहयोगी उर्वशी है वहां पर मौजूद, एक एनसीबी के अफसर दरअसल वहां पर पहुंचे जिनसे बातचीत करने की कोशिश मीडिया यहां पर कर रही है। उर्वशी आप बात करें, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, प्रीति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति, आप सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अब जो मुख्य आरोपी रिया है उनसे कितनी जल्द एनसीबी उन्हें बुलाकर या फिर अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, क्योंकि सबसे बड़े खुलासे तो उन्हीं को करने हैं, सबसे करीब तो सुशांत के वही रही थी, उनका कहना था डॉक्टर्स को दिखाया, दवाइयां दी गई हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उन्हीं को लेकर है। जी, क्योंकि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं उसमें रिया का भी रोल अहम है, ना सिर्फ इतना ही बल्कि आज जिस तरीके से शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा की जो पूछताछ है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कर रहे हैं, तो इनकी पूछताछ में कई सारे जो है एविडेंस जो है उनको मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज सवेरे से छापेमारी की गई और डिजिटल एविडेंस को जो है सीज किया गया है, इवन रिया का जो मोबाइल था 2018 का iPhone 7 उस पुराना मोबाइल भी जब्त कर दिया गया है, यानी कि उसके पुराने मोबाइल में भी बहुत सारे जो है एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है, उसको खंगालने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद में जो है रिया चक्रवर्ती को भी समन्स इश्यू किया जाएगा और रिया को भी जो है नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति और उर्वशी आप दोनों का, ही आप हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। तो जो पुराना फोन रिकवर किया गया है, लिया गया है रिया चक्रवर्ती के घर से, ये काफी खुलासे कर सकता है, क्योंकि उससे ये पता चल सकता है कि आखिर कितने लंबे समय से यहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था रिया चक्रवर्ती, शौविक उनके पूरे परिवार की ओर से, या फिर कहाँ तक उसको पहुंचाया जा रहा था।